हे गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 कर रहे थे, जिसमें से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 2y² + 9y + 10 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है बाय स्क्वायर मेथड से, ठीक है। किस तरह से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है? 2y² + 9y + 10 = 0। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है कि हमारा जो x वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है, यानी कि स्क्वायर वाला जो टर्म है, वो 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो कोई बात नहीं, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट 1 नहीं है तो हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से बनाएंगे? बाई डिवाइडिंग कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, 1 बचेगा और हमें वही चाहिए है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/2y, यहाँ पर हो जाएगा 10/2, यानी कि 5। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 9/2y + ये हो जाएगा 5 = 0, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला ऐड करते हैं। कौन सा वाला? वो वाला ½ × coefficient of y। अगर x में रहता तो हम x लिखते हैं, y के टर्म में तो y लिख रहे हैं, का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 9/2, ठीक है। 9/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और नीचे 2 × 4, तो 9/4 का होल स्क्वायर। 9 × 9 = 81 और 4 × 4 = 16, ओके। अभी ये जो 81/16 आया, इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन थी y² + 9/2y, तो एक बार प्लस में लिखेंगे +81/16, एक बार माइनस में लिखेंगे 81/16। उसके बाद क्या था? 5 = 0। अभी ये जो 2 नंबर एक कांस्टेंट हम उधर भेज देंगे, और ये जो 3 टर्म बचे हैं वो हमारे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में बने। हमारा जो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², वही देखिए यहाँ पर a² है +2ab + b² है। तो चलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। a यानी कि y है, प्लस b क्या हमारा 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 81/16 -5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। y + 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हम इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 5 = 80 होता है, तो 81 - 80/16, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज़ लिखेंगे y + 9/4 का होल स्क्वायर। 81 में से 80 का कितना बचा? 1 बचा, डिवाइड में 16। उसके बाद देखिए अभी 1/16 आया, ये है y + 9/4, यहाँ तक रुक जाने का। उसके बाद हमें लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? y + 9/4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 होता है, 16 का कितना होता है? 4 होता है, प्लस माइनस में, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग यहाँ पर करूँगा मैं। ये जो 1/4 है, इसको हम एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे, तो y + 9/4 ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको एक बार प्लस में करेंगे 1/4 = 0, या सॉरी इक्वल्स टू, ये 0 नहीं आएगा, ये इक्वल्स टू आएगा, और एक बार माइनस में y + 9/4 = -1/4। तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे? y + 9/4 = 1/4 है, तो ये 9/4 को हम उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 1/4 - 9/4, 1/4 - 9/4 हो गया। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो हम एक बार लिख सकते हैं y = 1 - 9/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 9 यानी कि -8/4, 4 8/4 तो 4 बन जाए, 4 4 2 = 8, तो y की वैल्यू एक मिलेगी मुझे -2, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या टर्म था? y + 9/4 = में क्या था? -1/4 था, इतना ही था। तो ये 9/4 को उधर डालेंगे,
तो वाई इक्वल्स टू माइनस 9/4 माइनस 1/4, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे माइनस 9 माइनस 1/4, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस 10/4, 10/4 यहाँ तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू मुझे मिली माइनस 5/2, एक वैल्यू मिली मुझे माइनस 5/2, एक मिली मुझे माइनस 2, ठीक है। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।